हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं सिक्योर टेक्नोलॉजीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया था, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चार्ट हमने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ट के बारे में कोई भी क्वारीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज मैं आपको लिंक्स के बारे में बताता हूँ कि ये हाइपरलिंक क्या होता है। देखिए, हाइपरलिंक का यूज़ जो होता है एक्सेल में, हम एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें इस फाइल का लिंक बनाना है, जैसे इस फाइल का नाम अब्दुल है और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को हम किसी और फाइल से जोड़ दें, तो मैं इजीली इसका लिंक बना सकता हूँ। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर आएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे या कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे। तो जो भी आप करना चाहते हैं, हमने क्लिक किया लिंक पर, लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएंगे। हम यहाँ पर कर देंगे एग्जिस्टिंग पर क्लिक। हम किस फाइल से लिंक करना चाहते हैं, जैसे एक फाइल का नाम आ रहा है एडवांस फिल्टर के नाम से फाइल आ रही है, या फिर हम सिक्योर के नाम से करना चाहते हैं तो सिक्योर के नाम से लिंक बना देते हैं इनको। तो हमने सिक्योर के नाम से किया और ओके कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हिमाचल पर कर्ज़ा रखा था और यहाँ पर एक लिंक बन चुका है। अब देखिए, मैं कहीं और कर्ज़ा रख रहा हूँ तो देखिए हैंड मार्क नहीं आ रहा, हाथ का निशान नहीं आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पर एक कर्ज़ा रखता हूँ इस वाले पोर्शन पर जहाँ मैंने लिंक बनाया है, तो यहाँ पर एक हाथ का निशान आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगा तो जिस फाइल से मैंने लिंक कराया था वो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो देखिए, वो फाइल ओपन हो चुकी है। ये देखिए, मैंने सिक्योर के नाम से फाइल थी, उसमें एक मैंने चैनल का नाम दिया अपना सिक्योर टेक्नोलॉजी, तो वो फाइल ओपन हो चुकी है। इसी तरह आप इस फाइल को भी किसी और फाइल से लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस फाइल को लिंक करना है किसी और फाइल से, तो आप वैसे ही कर्ज़ रखेंगे जहाँ पर आप लिंक करना चाहते हैं। इंसर्ट पर आएंगे और यहाँ पर आप लिंक क्लिक करेंगे। लिंक पर आप किस फाइल से लिंक करना चाहते हैं, आप हमने किया एडवांस फिल्टर से लिंक, ओके कर देंगे। ओके कर दिया हमने, तो देखिए यहाँ लिंक बन चुका है। जैसे हम इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो जो एडवांस फिल्टर वाली फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये हो चुकी है हमारी। ओके, दैट्स इट, इतना क्लियर है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी मेन फाइल पर। नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसमें टेक्स्ट में आ जाएंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स मैं आपको नेक्स्ट शीट पर बता देता हूँ। उसको मैंने एक शीट, न्यू शीट ले ली है। न्यू शीट की शॉर्टकट शायद आप भूल चुके हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, शिफ्ट प्लस F11 होती है न्यू शीट की शॉर्टकट। शिफ्ट प्लस F11 प्लस करेंगे तो हम न्यू शीट आ जाएगी। बातों को याद रखा करें, नोट करते रहे जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, और जितना भी हम टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं तो हम उतना टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके और उसके अंदर कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ होता है। ये चीज़ आपको शेप में भी मिल जाएगी और ऐसी ऑप्शन ओपन होगा जो आपने शेप में किया था। देखिए, उसके बाद आप आ जाएंगे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हेडर पर आ जाएंगे, हेडर एंड फुटर ऑप्शन। देखिए, हेडर फुटर क्या होता है, हेडर को लगता है पेज के अपर साइड में और फुटर लगता है पेज के लोअर साइड में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हेडर फुटर को अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। क्लिक किया, हेडर फुटर पर अप्लाई किया, देखिए पेज हमारा इस टाइप से आ जाएगा। अब आपने एक हेडिंग देखी होगी पेज के ऊपर के हमने हेडर क्या लगाना है, फुटर क्या लगाना है, तो हम यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। हमने किया ऐड हेडर, जिसे मैंने यहाँ कर दिया है अब्दुल, अपने नाम दे देता हूँ अब्दुल। ठीक है, हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नीचे करेंगे, हमें फुटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट पर आएंगे, फुटर ऐड फुटर, यहाँ हम कर देंगे रहमान। आप कुछ भी कर सकते हैं एज योर विश। ठीक है, आपको वापस आना है, आपको नॉर्मल व्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पर तीन व्यू दिखाएंगे, एक तो नॉर्मल व्यू है और एक पेज लेआउट व्यू है और एक पेज ब्रेक व्यू है। तो अभी हम पेज लेआउट व्यू पर हैं, हम इसको नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे तो हम नॉर्मल व्यू पर आ जाएंगे, हेडर फुटर शो नहीं करेगा। हम पेज लेआउट व्यू पर आएंगे तो देखिए हेडर फुटर हमारा शो करेगा। इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ चुका है और क्लियर हो चुका है आपको। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, वर्ल्ड आर्ट। सेम टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है वर्ल्ड आर्ट। मैं दूसरी शीट पर आ जाता हूँ, मैं दूसरी शीट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड आर्ट का यूज़ ये होता है कि अगर आप चाहते हैं किसी टेक्स्ट को
एक इफेक्टिव वे में लिखना, तो आप वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पर अब्दुल रहमान, ये देखिए सेम टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इफेक्ट्स का चेंजेस है, क्योंकि वर्ड आर्ट में ऑलरेडी इफेक्ट्स आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में हम एरिया सेलेक्ट करके और उसमें बाद में इफेक्ट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें टेक्स्ट बॉक्स में सिग्नेचर लाइन। आप चाहते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर आप साइन करना चाहते हैं अपने, तो आप साइन भी कर सकते हैं इजी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमने सिग्नेचर लाइन को क्लिक कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन बुक को क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर कोई भी आप सिग्नेचर अपने कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी सिग्नेचर कर देता हूँ अब्दुल रहमान, एंटर। तो देखिए जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वहाँ पर हमारे साइन आ जाएंगे, अब्दुल रहमान के नाम से साइन आ रहा है। जैसे हम नॉर्मली कहीं भी साइन कर देते हैं तो इन्हें हम डिजिटल साइन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक्सेल में ही हम एमएस वर्ड की फाइल ओपन करें या किसी और अदर सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन करें, तो आप ऑब्जेक्ट कमांड से उसको दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को इंसर्ट एक्सेल में करा सकते हैं। कैसे कराएंगे ये देखिए आप, हम यहाँ पर टेक्स्ट पर आ जाएंगे, एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे आप, थोड़ा वक्त लगेगा। ये देखिए अब आप कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल एक्सेल में ओपन करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे पेंट ओपन करना है, तो सबसे पहले ऊपर आ रहा है बिटमैप इमेज, तो ये पेंट ओपन हो जाएगा। और आप चाहते हैं या किसी पावर पॉइंट की फाइल को, अगर आपसे पावर पॉइंट आता है तो आप पावर पॉइंट भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, पेंट या कुछ भी। तो मैं आपको पेंट ही दिखा देता हूँ, मैंने ये ओपन किया बिटमैप इमेज, ओके किया। तो देखिए पेंट की विंडो आपके सामने आ चुकी है, आप जो भी पेंटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ, इसमें कभी आप कहें करके नहीं दिखाया। तो मैंने एक शेप लिया यहाँ से, इसको मैं फिल कर देता हूँ किसी भी कलर से, जैसे मैंने ये कर लिया, और जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा यहाँ से, तो वो विंडो पूरी हमारी एक्सेल के अंदर आ जाएगी। ये देखिए आप, तो कोई भी सॉफ्टवेयर का काम हम अगर हम एक्सेल में लाना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट कमांड से उसको ला सकते हैं इजी। क्लियर हुआ ये बात? ओके, उसके बाद एक ऑप्शन और बचता है इसमें सिंबल। ये भी इतना यूज़ नहीं होता, पर हाँ कभी कभी यूज़ हो जाता है सिंबल। तो हम यहाँ से न्यू एक शीट ले लेंगे और मैं यहाँ से सिंबल पर क्लिक करेंगे। आपको इक्वेशन लेनी है तो इक्वेशन ले सकते हैं, आपको सिंबल लेनी है तो आप सिंबल ले सकते हैं। यहाँ हम सिंबल पर क्लिक करेंगे, कोई भी सिंबल आप इसमें से यहाँ से आसानी से ले सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। देर आर मैनी सिम्बल्स अवेलेबल, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, सारे सिम्बल इसमें अवेलेबल हैं। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ से भी इसमें और भी ऑप्शन लैटिन में, तो आप लैटिन में कर सकते हैं। ओके, तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लो मुझे ये सिम्बल चाहिए, ओके या इंसर्ट कराया, तो जहाँ कर्सर होगा वहीं सिम्बल आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से आप सिम्बल इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट ऐप। वीडियो कैसी लगी आपको जानने का वेट करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।